खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का रायता। रायता बनाने के लिए आधा किलो लौकी ली है। लौकी को सबसे पहले छीलेंगे। लौकी को दोनों साइड से इस तरीके से कट कर देंगे। अब इसको अच्छे से धुल लेंगे। लौकी को दो टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब इसको कद्दूकस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी लौकी को इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। लौकी को पकाने के लिए फ्राई पैन लिया है। इसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे कद्दूकस की हुई लौकी। लौकी में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे लौकी को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। लौकी को ढक के सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। लौकी को बीच बीच में चलाते रहेंगे। लौकी को पकाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी में पानी होता है, इसलिए आसानी से ऐसे ही पक जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं लौकी को पकते हुए। लौकी अच्छे से पक गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लौकी को ठंडा होने देंगे। रायते के लिए 400 ग्राम दही लिया है। दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही को अच्छे से फेंट लिया है, अब इसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी। पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। दही में पानी अच्छे से मिक्स हो गया है। दही में डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 10-12 पिंच लाल मिर्ची पाउडर, एक बारीक कटी हरी मिर्ची, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसमें डाल देंगे पकी हुई लौकी। दही और लौकी को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी पकाते समय हमने नमक डाला था। लौकी और दही दोनों अच्छे से मिल गए हैं। देखिए कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा रायता बन के आया है। रायते में तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन लिया है। इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। रायते में सरसों के तेल का तड़के का स्वाद बहुत अच्छा निकल के आता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 10-12 पिंच हींग। दोनों को अच्छे से भून लेंगे। जीरा हींग दोनों अच्छे से भून गए हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तड़के को रायते के ऊपर डाल देंगे। तड़के को रायते में मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छा लौकी का रायता बन के आया है। लौकी का रायता सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।